क्योंकि जमीन पर जो हो रहा है उस पर नजर रखते हैं। रविंदर, ये राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की यात्रा और ये मंच पर आज हाथ पकड़वाना दोनों का, इसका कुछ असर होता हुआ आपको दिख रहा है क्या जमीन पर? तुम तो तकल्लुफ को भी इखलास समझ लेते हो फराज, दोस्त नहीं होता हर हाथ मिलाने वाला। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, हरियाणा की राजनीति में ये तो सब लोग जानते हैं सर कि हाथ जो है वो किस तरह से मिलाए जाते हैं और ये हाथ किस तरह से मिलाए गए हैं। ठीक इसी तरह के हाथ मिलाने का एक प्रदर्शन राजीव गांधी जी ने भी किया था जब वो हरियाणा आए थे, और चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल के दो अलग अलग धड़े थे तब वो। हालांकि तब उनको हाथ मिलाना जो है वो सफल नहीं हो पाया था, लेकिन अब बीजेपी कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है कि ये सफल होगा। लेकिन जो ये रैली है सर, ये रैली या जो पदयात्रा है, इसमें भीड़ काफी उमड़ी है। नारायणगढ़ के इलाके से ये शुरू किया गया है। नारायणगढ़ में साल 1982 में इंदिरा गांधी भी आई थी और उन्होंने भी प्रचार की वहां से शुरुआत की थी और उसके बाद उनको वहां से सफलता हासिल हुई थी। लेकिन अभी जो है ये इलाका इसलिए इंपॉर्टेंट है मानक जी, क्योंकि ये मूल रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 2014 में 21 सीटें यहां से जीते, 2019 में 12 सीटें जीते और सबसे ज्यादा उम्मीद बीजेपी को इसी इलाके से है। तो वहां पर अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में कामयाब होगी, जिसके लिए दोनों भाई बहन आज आए हैं, तो उससे भी बिल्कुल फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को। और भीड़ के हिसाब से, भीड़ जिस तरह से है, उससे एक अंदाजा लगता है कि कांग्रेस के लिए माहौल वहां पर थोड़ा सा माकूल तो हुआ है पूर्व के। ओके, और ये जो मुद्दे है, जिस तरह के मुद्दे उठाए गए हैं मानक जी, वो मुद्दे हालांकि वही हैं जो पहले से कांग्रेस पार्टी के नेता उठाते रहे हैं। खासतौर पर जो डंकी वाला मुद्दा उठाया गया है, बेरोजगारी का मुद्दा है। अब बीजेपी में सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है या एक जगह पर बीजेपी की जो कमजोरी दिखती है, वो 9.5 या 10 साल का जो शासन रहा उसकी अचीवमेंट्स पर ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। फ्यूचर की जो प्लानिंग है उस पर ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं, और कांग्रेस पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को एक बड़ा इशू बनाती है। यही वो इलाका है जहां पर सबसे बड़ा एपी सेंटर बना था किसान आंदोलन के दौरान भी, और इसी वजह से अंबाला की लोकसभा सीट जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही थी। यही वो इलाका है जहां से मनोहर लाल खट्टर जीते, नायब सिंह सैनी जीते, पहले नारायणगढ़ से, फिर कुरुक्षेत्र से, फिर करनाल से और लाडवा से। ये पूरा इलाका वही है जहां पर सबसे बड़े नेता बीजेपी के आज चुनाव लड़ रहे हैं या पहले जीत चुके हैं, और यहीं से अनिल विज भी लड़ रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चुनाव, ये जो यात्रा है ये पूरे हरियाणा में जाएगी, और प्रधानमंत्री की केवल एक रैली बची है जो 2 तारीख को है, इसलिए ये उत्तर से शुरू होती है और दक्षिण तक जाएगी। कल जो इसकी रैली है ये हिसार और जींद के इलाके में, जो कि जाटलैंड माना जाता है। सुन रहे थे कि वो 25-30 सीटें कवर करेगी ये यात्रा, जहां पर कांग्रेस पार्टी पहले से स्ट्रांग है, मजबूत है। 25-30 सीटें तो सर आज ही कवर हो गई। अच्छा, ये जो इलाका है इसमें 21 सीटें हैं। थानेसर जाके रैली संबोधित करेंगे और दक्षिण हरियाणा तक ये जब जाएंगे तो इसमें समझिए कि लगभग हरियाणा कवर हो जाएगा। ओके, 3 दिन का या 4 दिन का प्रोग्राम है। ओके, और दक्षिण हरियाणा जो है वो भी बीजेपी का गढ़ है, इंपॉर्टेंट बात ये है। अच्छा ठीक है। अच्छा रविंदर, एक चीज और बताइएगा, अभी विनोद जी और मैं यही बात कर रहे थे, हरियाणा में जमीन पर आपको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो फैन फॉलोइंग है, जो फॉलोइंग है, जो समर्थक उनके आते हैं, उसमें किसकी अपील आपको ज्यादा दिखाई देती है जमीन पर हरियाणा में? जी, हरियाणा में राहुल और प्रियंका में अगर हम लोग सोशल मीडिया पे बात करें तो प्रियंका गांधी जो है उनके वीडियो ज्यादा वायरल होते हैं। अच्छा। और जमीन पे अगर बात करें तो राहुल गांधी को लोग पहले के मुकाबले में ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। पहले राहुल गांधी हरियाणा में पॉपुलर नहीं थे, लेकिन इस चुनाव के बाद राहुल गांधी की पॉपुलरिटी बढ़ी है और प्रियंका गांधी को लोग सुनते ज्यादा हैं। ठीक है, ओके। अब थोड़ा बीजेपी के खेमे का बताइए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और इधर योगी जी और इवन हिमंता बिस्व शर्मा वो भी आ रहे हैं, तो किसकी रैली में ज्यादा भीड़ आ रही है? हिमंता बिस्व कल पानीपत में आए थे और योगी आज वहीं पर आए हैं जहां पे मैं बैठा हूं, हिसार के इलाके में, नारनौंद में। और अमित शाह, देखिए खास बात यह कि अमित शाह ने उस इलाके में जो जहां पर आज राहुल गांधी हैं उसमें 2 बार गए वहां पर इसी चुनाव के दौरान, 3-3 रैलियां उन्होंने एड्रेस की हैं। तो उस इलाके में बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड फाइट इस टाइम देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के ज्यादा स्टेक्स वहीं पर हैं।
अगर कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल कर ली तो बीजेपी के लिए कहीं और से रिकवरी करना इस हरियाणा के चुनाव में संभव नहीं होगा। और अगर बीजेपी अपना जो गढ़ है उसको बचाने में कामयाब रही तो बीजेपी की स्थिति में कुछ सुधार जरूर हो सकता है। इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसके अलावा जो आखिरी फेज होगा जो कि हिरवाल का इलाका है जहां पर 11 विधानसभा सीटें हैं, वो भी बीजेपी के लिए स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ज्यादा भीड़ पीएम मोदी की रैली में यार ही होगी बाकी नेताओं के मुकाबले। देखिए पीएम की मोदी की रैली में ज्यादा भीड़ इस बार नहीं आ पाई। नहीं नहीं, मैं बीजेपी के नेताओं को कंपेयर कर रहा हूं, मैं कांग्रेस से कंपेयर नहीं कर रहा हूं। बीजेपी के नेताओं में पीएम मोदी, गृहमंत्री योगी, हिमंता और बाकी नेता भी, राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं, ज्यादा भीड़ किसकी रैली में है? इन सब की रैलियों के मुकाबले में जो लोहारू में अमित शाह की रैली थी उसमें सबसे ज्यादा भीड़। ओके, अमित शाह की रैली में, क्योंकि वो एक तो पूरा ग्रामीण इलाका है, देहात का इलाका है पूरा ग्रामीण, और वहां पर वित्त मंत्री है जेपी दलाल, तो उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया। और सबसे विनोद जी